हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवीडी पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने एसएससी सीजीएल 2019 में टीयर 2 के एग्ज़ाम में मैथ में 187.5 नंबर लाए हैं 200 नंबर में। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2018 के भी एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मेरे मैथ में सीजीएल टीयर 2 में मैं 2018 के सीजीएल टीयर 2 में मेरे मैथ में आए थे 102 नंबर 200 में से। तो मैंने वो क्या क्या चीज़ किया और मैंने क्या क्या चीज़ को इग्नोर किया जिससे कि मेरा 187.5 नंबर आया है। इस वीडियो को शेयर करने का मेरे दो पर्पज़ थे। मैं इससे पहले ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, चाहता तो मैं इससे पहले जब टीयर टू का आंसर किया था उसी समय ये वीडियो बना सकता था, लेकिन उस समय मैंने ये वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। लेकिन फिर इस वीडियो को बनाने के मेरे दो पर्पस थे। सबसे पहला पर्पस ये कि अगर मेरी स्ट्रेटजी या फिर मेरे तरीके से किसी को फ़ायदा होता है तो चलो बता देने में क्या हर्ज है। एक तो ये पर्पस है, और दूसरा पर्पस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो आप लोग समझ ही रहे होंगे, तब भी मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि दूसरा पर्पस क्या था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया कि मेरे एसएससी सीजीएल 2019 में 187.5 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन और पहले ही ऐड कर दूं कि हालांकि मेरे मैथ में 187.5 नंबर आ रहे हैं टीयर टू में, और इंग्लिश में मेरे 140 के आसपास आ रहे हैं, और टीयर वन में मेरे आए थे 152 मार्क्स आए थे टीयर वन में, तो कुल मिला के आप ऐड कीजिएगा तो लगभग 480 485 नंबर के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे टीयर टू तक। लेकिन मेरा जो है टीयर टू क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपने देखा कि सीजीएल 2019 का जो है कट ऑफ जनरल का 528 था और ओबीसी का 478। हालांकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हो सकता है नॉमिनेशन में मेरा मार्क्स नेगेटिव हुआ हो, इसके कारण जो है मैं टीयर टू के कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाया और बाहर हो गया। इसी प्रकार से मैंने 2018 में भी टीयर टू दिया था, तो उसमें मेरे इंग्लिश में 140 नंबर आए थे। इंग्लिश में कोई इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा खासा है नहीं, क्योंकि मैंने इंग्लिश पे उतना ध्यान दिया नहीं था, और मैथ में 102 नंबर मेरे आए थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग 102 नंबर से 187.5 पे पहुँचे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको 2018 के एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। तो 2018 एस एस सी सी जी एल के पहले मैं 2017-18 तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 18 में, और उससे पहले मैं लगातार ज़्यादातर खेलता था, क्रिकेट खेलता था, और मैं एक मीडियम पेस बॉलर था, ड्यूज बॉल से मैं प्रैक्टिस करता था। तो उसके बाद जो दोस्तों 2018 में मेरा जो कहनी है यहाँ का, इसका लिगामेंट थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया और ये हल्का सा दर्द देने लगा। उसके बाद मैंने क्रिकेट हल्का कम कर दिया खेलना। उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, तो उस समय मतलब मेरा मैथ ठीक था, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो साइंस बैकग्राउंड से था, और मैंने 11-12 भी साइंस बैकग्राउंड से किया, तो मैंने भी उस समय भी अच्छी खासी पढ़ाई की थी, तो मेरा मैथ ठीक था। तो जब मैं एस एस सी सी जी एल का प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये एक बना हुआ था कि मेरा निकल ही जाएगा, ये एकदम ओवर कॉन्फिडेंस था, कहिए कि कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस इसको कह सकते हैं, जिसके कारण मैं 2000 सी जी एल उस समय जो है अच्छा उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया। लेकिन जब मैंने पीटी दिया तो उसमें मेरा मार्क्स आ रहा था लगभग 120 के आसपास, तो हमको लगा कि पीटी में 120 नंबर आ रहे हैं तो नहीं निकलेगा, तो मेंस का मैंने उतना अच्छा खासा प्रिपरेशन किया नहीं। तो लेकिन हुआ क्या कि मेरा शिफ्ट हो सकता है कि हार्ड हो, तो उसके बाद वहाँ पर नॉलेज होके मेरे मार्क्स जो आए वो 147.5 के आसपास बन रहे थे, तो मेरा पीटी निकल गया। और पीटी के मात्र जब रिजल्ट आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसके 20 या 22 दिन के बाद मेंस था, तो हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम मैथ में तो कर ही लेंगे अच्छा, मैथ में लगभग हम 160-170 तो ले ही आएंगे, क्योंकि मैथ हमको आता था, मतलब जो भी एस एस सी जी एल में मैथ पूछा जाता है वो हमको आता था, लेकिन उसमें उतना कैलकुलेशन फास्ट मेरा नहीं था और उतना शॉर्ट ट्रिक नहीं था मेरे पास कि ताकि मैं कम समय में यानी 1 घंटे में उतना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जब मैं एस एस सी जी एल मेन्स 2018 का दिया, तो उसमें जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस समय मेरे से एग्ज़ाम देने के बाद अटेम्प्ट लगभग हुआ 60 के आसपास अटेम्प्ट हम कर पाए, तो उस समय हमको लग गया था कि इसमें भी तो होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैथ हमको आते हुए मात्र 60 अटेम्प्ट कर पाए। तो उसके बाद मैं एनालिसिस किया आके कि क्या गलती हुई, तो पता चला कि हम क्वेश्चन उतना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन स्क्रॉल करके लास्ट तक देखा तो लास्ट में बहुत इजी इजी सवाल थे जो कि मैं और तेज़ी से कर पाता, और अगर वो सब सवाल अटेम्प्ट करते तो लगभग 10 से 15 मिनट में मैं 15 से 20 सवाल और अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन
एग्जाम 2 घंटे के समाप्त होने के बाद मेरे टोटल जो मैं क्वेश्चन देख पाया था वो मात्र लगभग 60 के आसपास ही था। 60-62 सवाल देख पाया और 60-60 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किया। यानी सबसे पहला तो ये गड़बड़ी हुआ कि मैं सारा क्वेश्चन नहीं देख पाया, जिससे कि हमें ये नहीं पता चला कि कहाँ पे इजी सवाल है और कहाँ पे हार्ड सवाल है। तो सबसे पहला दिक्कत ये हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि हमको मैथ तो आती है लेकिन उतना अच्छा तेजी एकदम फास्ट से नहीं आती है। तो मैं एक दिन अभिनव मैथ्स का एक अभिनव सर का वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि आप लोग भी सुने होंगे, उसमें बताया कि अभी जो है आप मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर का यात्रा करते हैं और ऊढ़ा खाबड़ रोड पे आप यात्रा करना चाहते हैं करते हैं बाइक से या फिर कुछ भी से भी, तो आप जल्दी थक जाइएगा। लेकिन अगर आपको वही 200 किलोमीटर का रास्ता एक 4 लेन या फिर हाईवे पे दे दिया जाए तो आप बहुत तेज़ी से उस रास्ते को कवर कर पाइएगा और आपको थकान कम महसूस होगी। तो वो बताना चाह रहे थे कि यदि आप जो है एक स्मूथ तरीके से मैथ को बनाते हैं, एक आसान तरीका से, जो कि एक ट्रिक के माध्यम से, चाहे जो भी आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करके उस रास्ते को अपनाते हैं, तो आपको जो है आसानी से मंजिल तक पहुंच भी जाइएगा और उसके बाद आपको जो है थकान भी कम महसूस होगा। तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी उनका, और मैंने ये सोचा कि स्मूथ रास्ता हमको खोजना है मैथ बनाने के लिए। हमको भले मैथ आता है लेकिन एक ऐसे रास्ता को ढूंढना है जिससे कि मैथ थोड़ा स्मूथ वे में बने, ताकि लंबा रास्ता पे चल के भी आदमी को थकान ना हो। तो सबसे पहले मैं अभिनव मैथ सर को ही फॉलो किया और उनसे एडवांस मैथ सारा मैंने पढ़ा और उसका जो है नोट्स भी बनाया, जो ये इस डायरी में देख सकते हैं उस नोट्स को। इसमें मैंने अभिनव मैथ सर का पढ़ाया हुआ सारा कुछ इसमें नोट्स किया, देख सकते हैं ये अलजेब्रा का पढ़ा हुआ पोर्शन है, तो इसमें नोट्स किया। उसके बाद सारा एडवांस मैथ उनसे क्लियर किया। और उसके बाद मैं 1,000 का एक महीने का कोर्स खरीदा अन अकेडमी का, और उसमें वहाँ पर अभिनव मैथ सर जो पहले से कोर्स ख़त्म कर चुके थे उसका सारा मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया और उसको सोल्व किया। तो लगभग मैंने 7 दिन में उनका सारा पीडीएफ सोल्व कर दिया। जो जो हमको सवाल उनके पीडीएफ में से नहीं आ रहा था तो मैं वीडियो चला चला के उसमें से देख ले रहा था अन अकेडमी से। इस तरीके से मैंने एडवांस मैथ अच्छा किया और साथ ही साथ मैं होम। उसके बाद अब बात कर लें कि मैंने अर्थमेटिक कहाँ से पढ़ा। तो अर्थमेटिक जो है दोस्तों, मैंने राकेश यादव सर का ये बुक देख सकते हैं, ये बुक को फॉलो किया और इसको जो है पूरा 3 से 4 बार मैंने बनाया इस राकेश यादव सर का बुक को। और मैं और कुछ दूसरा, कभी भी हमको लगता था कि मेरा कॉन्सेप्ट कहीं कम है या फिर ये सवाल बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा, तो उस सवाल को करने के दौरान फिर मैं राकेश यादव सर का नोट्स देख लेता था कि ये इस टाइप के सवाल किए हुए कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ कि राकेश यादव सर का जो ये अर्थमेटिक का नोट्स है, इसमें एडवांस भी है लेकिन इनका अर्थमेटिक का जो ये नोट्स है और एडवांस का, तो अर्थमेटिक इतना सफिशियंट पढ़ाया हुआ है कि अभी तक जो है SSC उतना लेवल का अर्थमेटिक नहीं पूछता है जितना कि इस इन ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। कैलकुलेशन के मामले में इनसे हाई हो सकता है लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट जो है लगभग अपने बुक में इसमें नोट्स में कवर कराए हुए हैं, इतना कॉन्सेप्ट सफिशियंट है SSC CGL के लिए। उसके बाद दोस्तों अभिनव सर जो एडवांस मैथ पढ़ाते हैं, तो उनका जो पढ़ाया हुआ सारा एडवांस मैथ है वो SSC CGL के लिए सफिशियंट है, हमको जहाँ तक लगता है। उससे ज़्यादा अभी हाई लेवल तक SSC CGL जो है SSC CGL एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, चाहे कोई भी SSC CGL CHSL जो भी हो, कोई एक सवाल आ जाए तो वो अलग बात है लेकिन ज़्यादातर सवाल उनका लेवल सफिशियंट है। तो मैंने मात्र 2 ही टीचर को फॉलो किया, एक राकेश यादव सर का और दूसरा अभिनव सर के लिए एडवांस मैथ के लिए। अब दोस्तों जब मैं यहाँ से सारा चीज़ सीख चुका था कि कैसे डील करना मैथ को किस तरीके से, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि गगन प्रताप सर का SSC CGL माई पाठशाला पे एक वो बहुत डिफिकल्ट सवाल का जो है कोर्स लॉन्च किए थे, तो उसका जो PDF मेरे पास 282 या 283 पेज का है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा PDF, देखिए मैंने अभिनव मैथ सर से सारा अलजेब्रा ये सब पढ़ा था, ये सब मैंने पढ़ा था अन अकेडमी से, तो उनका सारा PDF है जिसको मैंने सोल्व किया था। यहाँ से मैंने एडवांस मैथ का कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे एडवांस मैथ को तेज़ी से किया जा सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये सारा उसमें इसको शेयर कर दूंगा। अब जो है दोस्तों देखिए, मैंने जो गगन सर का पढ़ा था अर्थमेटिक का, उसका देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं गगन सर का है, इसमें माई पाठशाला लिखा हुआ होगा। इसमें जो सारे सवाल है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का है, मैंने बता रहा था कि 282 पेज का होगा, यहाँ पर देखिए 280 पेज का ये PDF है, 280 पेज का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ आएगा 280 पेज का ये PDF है। यहाँ पर देखिए सारे सवाल जो है इसका एकदम टॉप लेवल का है, एकदम महा कैलकुलेशन
इसको आप यदि कर लेते हैं तो कैसा भी सवाल यदि कैलकुलेटिव पूछता है आपको एसएससी सीजीएल चाहे किसी भी एग्जाम में, तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसका इस पीडीएफ में जो सवाल है उसमें ही इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है कि आपको कैलकुलेशन करते करते सारा कैलकुलेशन आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये सिर्फ अर्थमेटिक के लिए, और एडवांस के लिए अभिनव मैथ्स का जो पीडीएफ है वो सफिशियंट है, उससे ज़्यादा लेवल का भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। भले एक दो सवाल आ जाए लेकिन ज़्यादातर 98% 95% सवाल इसी टाइप का आता है। तो चलिए, वो 283 282 पेज का जो पीडीएफ था सारा अर्थमेटिक का था, तो उसको मैंने सॉल्व किया। जब मैंने उसको सॉल्व किया तो सारा कॉन्सेप्ट हमको आता था, लेकिन उनका जो वो पीडीएफ में जो सारा सवाल है उसमें कैलकुलेशन इतना टफ है, इतना लेंदी कैलकुलेशन है कि आप यदि करते हैं और इस सारे सवाल को आप 2 से 3 बार करते हैं कर लेते हैं तो आपका जो है कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और उनका जो उतना सारा सवाल जो है बहुत ही सफिशियंट है, लेकिन उतना ज़्यादा सवाल कर पाना कम समय में बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने एक बार तो सारा क्वेश्चन किया, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों मैं नंबरिंग कर लेता था कि कौन सा क्वेश्चन जो है ज़्यादा समय लगा था कैलकुलेशन में। तो दूसरा बार मैं वो सवाल करता था, फिर कभी कभी मैं 5-5 के अंतराल पे सवाल करता था। तो उसको मैंने 2 से 3 बार किया इस तरीके से, तो इससे मेरा कैलकुलेशन भी मजबूत हो गया। अब कितना से कितना भी हार्ड सवाल आसानी से जल्दी समय में कर पा रहा था, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन वाला सवाल भी सारा किया जो SSC माई पाठशाला पे गगन प्रताप सर पढ़ाए थे। मैंने सिर्फ गगन प्रताप सर का वो नोट्स यानी PDF का ही इस्तेमाल किया जिसमें वो जो है मैथ का सारा क्वेश्चन दिए हुए थे। और साथ ही साथ राकेश यादव सर का मैं बता चुका हूँ कि उनका जो है अर्थमेटिक का नोट्स को फॉलो किया और बार बार उनके कॉन्सेप्ट को रिविजन किया तेज़ी से मैथ को कैलकुलेट करने के लिए और स्मूथ रास्ता अपनाने के लिए। साथ ही साथ अभिनव सर का एडवांस मैथ, इतना करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर का सारा मैथ जो होता है आज तक पूछे गए थे, तो जो जब मैं PT का सोल्व करता था तो उसमें टाइमर लगा देता था कि 20 मिनट में हमको ये 25 सवाल करना है, कभी कभी 18 मिनट। इस तरीके से मैं धीरे धीरे टाइम घटाते रहा, 18 मिनट तक मैंने किया। कब शुरू में मैंने 25 मिनट में 25 सवाल टाइमर लगा के किया, उसके बाद जो है दोस्तों 22 मिनट 20 मिनट और 18 मिनट तक मैंने किया 25 सवाल 18 मिनट में। ठीक है, तो उसमें देखता था कि मैं कितना सवाल कर पाता हूँ, तो कभी कभी मैं 23 22 24 इस तरीके से अटेम्प्ट हो पाता था और टाइम अप हो जाता था। तो इससे मेरा जो है कैलकुलेशन स्पीड और साथ ही साथ अटेम्प्ट करने का अप्रोच बदला मैथ को कि किस तरीके से हम जो है 25 सवाल कर सकते हैं कम समय में। उसके बाद मैं जब मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेंस का मैंने तो ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया, लगभग 5-6 दिया था, लेकिन प्रीवियस ईयर का जितना भी था उसको सॉल्व किया। तो उसको सॉल्व करने के दौरान मैं एक ही बात ध्यान रखता था कि टाइमर लगा के मैं सॉल्व करता था ताकि मैं एक एग्जैक्ट समय में देख पाऊँ, अपने आप को जज कर पाऊँ कि कितना सवाल जो है मैं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इतना सारा मैथ का करने के बाद जो है इतना सारा प्रैक्टिस और इतना सारा मैथ करने के बाद आपके साथ रिजल्ट आपके सामने है और मेरा मैथ्स में 200 में से 187.5 आया। लेकिन दोस्तों 187.5 क्यों आया, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों 4 सवाल मेरे एकदम बहुत आसान आसान सवाल, ऐसे सारे सवाल आसान थे लेकिन 4 सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण थोड़ा सा इधर उधर मतलब तेज़ी से करने में मैं सारा पेपर 1 घंटे 30 मिनट के आसपास में कर लिया था। तो उतना देरी में तेज़ी से करने के कारण जो है एक दो सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ और मैं 4 सवाल ऐसा गलती किया और इसके कारण मेरा नंबर कटा, 4 या 5 सवाल गलत था। तो 187.5 मेरे ओवरऑल मार्क्स बन रहे हैं। यदि आपको चेक करना है कि मेरा 187.5 आ रहा है कि नहीं, तो मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं आपको अपना लिंक PDF का दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि 187.5 बन रहा है कि नहीं। और दोस्तों इस तरीके से आप जो है मैथ में मैंने इम्प्रूवमेंट किया, और सबसे पहले ज़रूरी बात मैंने इतना देर में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस टीचर से भी आप पढ़ते हैं जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनके कॉन्सेप्ट को आप 100% पहले सबसे पहले अपने अंदर में उतारिए, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद यदि आप हाईवे पे जाते हैं अपना मतलब मान लीजिए बाइक ही चलाने चाहे जो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उस समय जो है दोस्तों आप सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। कब? जल्दी जल्दी अप्लाई तभी होगा जब वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद हो कि कौन सा सवाल कैसे बनेगा, तब तेज़ी से आप मैथ को बना सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए, जितना भी सवाल जैसा भी सवाल आपको प्रैक्टिस करना करिए, लेकिन सबसे पहले सारा कॉन्सेप्ट आपको कंपाइल करना है कि कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और किसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। सारे जैसे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सारे टीचर का कॉन्सेप्ट कभी उनका कभी एक वीडियो उनका कभी एक वीडियो उनका देखते रहते हैं, जिससे कि उनका कंप्लीट नोट्स नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक टीचर को फॉलो करके सारे नोट्स को कवर करना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने को जज करने के लिए मॉक टेस्ट देना है और टाइमर लगा के 25 सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता चले कि आप में क्या कमी है, और जो जैसे ही पता चलता है तो उसको आप जो है दूर करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं नेक्स्ट
मैथ का प्रिपरेशन किया और मैं आपके साथ ये जो है मैथ मैंने किस तरीके से मैथ में 102 नंबर से 187.5 तक स्कोर किया है। तो दोस्तों ये रही, और मैं इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं अपना दूसरा पर्पस लास्ट में शेयर करूंगा। तो दूसरा पर्पस ये है कि ताकि आप लोग के साथ स्ट्रेटजी तो शेयर हो ही जाए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले कि किस तरीके से पढ़ना है। वो कभी कभी आदमी को पता भी रहता है, तब भी जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, घबराहट होता है। मान लेते हैं कहीं आप इंपॉर्टेंट फैसला लेते रहते हैं, तो आपको आते हुए बात भी आप आसानी से फैसला नहीं कर पाते हैं। तो अगर इतनी सारी बात सुनने के बाद यदि आप जो है आपको ये सारी बातें आती होगी, हमको ये पता है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, तो यही सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। हर किसी का भी आप वीडियो देख लीजिए जिनका भी अच्छा मार्क्स आया है, वो किसी एक टीचर को फॉलो किया और उनका कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद ही किसी दूसरे पर जो है अप्लाई किया गया और अपने कैलकुलेशन और बाकी सबको मजबूत किया दोस्तों। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको पहले से पता होगा ये हम आशा करते हैं, और यदि फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो ज़रूर फॉलो करें और अपना अपना स्ट्रेटजी खुद से सेट करें कि किस तरीके से हमको स्कोर करना है। लेकिन ये सबका कॉमन होता है कि पहले कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद जो है बाकी आगे क्या करना है ये करें। और दूसरा पर्पस मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा पर्पस ये दोस्तों कि इससे थोड़ा अर्निंग जनरेट हो, जिससे कि मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकूं दोस्तों। और कुछ दूसरा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो अभी प्रिपरेशन जारी है। और कैसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ, कैसे कैसे अभी आगे पढ़ता हूँ, ये सब सारी की वीडियो मैं अपडेट देता रहूँगा। ये सारा चीज़ का आपको जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा, ताकि यदि आप हमको फॉलो करते हैं तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करके पढ़ाई करके जो दोस्तों यदि आपको हमसे कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आपको लगातार फ़ायदा पहुंचते रहे और मेरा भी फ़ायदा होते रहे, मेरा दूसरा मोटो ये भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।